हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रे किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी पकोड़ा। प्याज वाले पकोड़े के साथ कड़ी बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बेसन 2 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और हरा धनिया। इन सबको डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन एक दूसरे पर अच्छे से कोट हो जाए कुछ ऐसे। अब हम कड़ी का बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच फिर से बेसन ले लिया है। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक, आप चाहें तो अभी इसमें दही ऐड कर सकते हैं। मैंने दही बाद में डाला है, ये आपकी चॉइस है। इसमें पानी डाल के एक बैटर रेडी कर लेंगे पतली सी। अब पकोड़े को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें बारी बारी से हम अपने पकोड़े डाल के फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम बाहर निकालेंगे। अब कढ़ी बनाना है। कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल में डालेंगे जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, इन सबको डाल के मिक्स करेंगे और फिर हम अपना बैटर ऐड करेंगे इसमें। फिर इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है, धीरे धीरे बेसन गाढ़ी होने लगेगी। कढ़ी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं बेसन गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। जब ये थोड़ी ठीक हो जाए और इसमें अच्छे से बबल आने लगे तो हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी। देखिए बबल्स आ रहे हैं, तो कढ़ी पक चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डालेंगे दही। दही डाल के मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें फ्राई किए हुए पकोड़े ऐड कर देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है कढ़ी बनाने का। आप भी एक बार जरूर बना के ट्राई करें इस रेसिपी की से। सबको अच्छे से डिप कर लेंगे। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। मैंने लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। तो हमारी कढ़ी बनके रेडी हो चुकी है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।